देखो आज हम पढ़ें क्या, फूलों की घाटी। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली में है। पूछा जाए कितना क्षेत्रफल है चमोली का, वो फूलों की घाटी कुल कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है? तो कितने क्षेत्रफल फैली हुई है चमोली में है क्या? फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। तो फूलों की घाटी की हम बात करें जो कि चमोली में है, अगर क्षेत्रफल पूछे फूलों की घाटी का क्षेत्रफल कितना है टोटल, तो क्षेत्रफल है 87.50 किलोमीटर, ठीक है। तो फूलों की घाटी की बात करें जो चमोली में है, फूलों की घाटी का क्षेत्रफल है 87.50, ठीक। अब ध्यान से देखो सुनो उसके बाद लिखो, ठीक। एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला, तो फूलों की घाटी में सबसे पहले कौन गए या किसने इसकी खोज करी? किसने करी? फ्रैंक स्मिथ। और ठीक हो, देखो बात है 1931 की, 1931 की बात है। दो व्यक्ति होते हैं, एक का नाम होता है एडम स्मिथ, एडम स्मिथ, और दूसरे जो व्यक्ति होते हैं उनका नाम होता है R.L. ओल्डवर्थ। ओल्डवर्थ, ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, या ऐसा कह लो फूलों की घाटी की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? एडम स्मिथ और R.L. ओल्डवर्थ को, ठीक है। 1931 में इन्होंने खोज करी। अब खोज कैसे करी? तो ये दोनों जा रहे थे कहाँ? कामेत पर्वत के अभियान में। कामेत पर्वत के अभियान में ये लोग जा रहे हैं, ठीक है। कामेत पर्वत कहाँ है? कामेत पर्वत चमोली में, ठीक है। तो कामेत पर्वत के अभियान में ये जा रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है, भूलवश या कह लो गलती से, ठीक है। तो कहाँ चले जाते हैं? फूलों की घाटी। कहाँ? फूलों की घाटी पहुंच जाते हैं, ठीक है। जाना कहाँ होता है इनको? कामेट पर्वत पर, लेकिन गलती से कहाँ पहुंच जाते हैं? फूलों की घाटी में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 1931 में ये दोनों चढ़े होते कामेट पर्वत पर, एडम स्मिथ और R.L. ओल्डवर्थ, ठीक है। रिसर्च ओल्डवर्थ इसे कहते हैं पूरा नाम। तो कामेट पर्वत के अभियान में थे और गलती से कहाँ पहुँच गए? फूलों की घाटी पहुँच गए। तब जब ये दोनों वहाँ पहुँचे फूलों की घाटी में, ठीक है, तो उसमें से जो ये एडम स्मिथ है, ठीक है, इनको ये घाटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी, ठीक है। यानी कि इन्होंने ये फूलों की घाटी है इनका मन मोह लिया। किसका? एडम स्मिथ का, ठीक। तो एडम स्मिथ इससे बहुत खुश हुए इसकी सुंदरता को देख के, ठीक है, और यहाँ का नज़ारा देख के। तो ये दोबारा आते हैं एडम स्मिथ, कब? 1937 में। 1937 में फिर से आते हैं कौन? एडम स्मिथ। कहाँ आएंगे? फूलों की घाटी, ठीक है। कहाँ आएंगे? स्मिथ, ये मो है, स्मिथ होगा, ठीक है, स्मिथ, एडम स्मिथ आएंगे। कहाँ आएंगे? फिर से फूलों की घाटी में। घाटी इतनी अच्छी लगती है इनको जब ये पहली बार पहुँचते हैं, तो फिर दोबारा आएंगे 1937 में एडम स्मिथ फूलों की घाटी में, और यहाँ पे क्या करेंगे? एक शोध कार्य करेंगे, ठीक है। शोध कार्य करेंगे, यहाँ के फूलों को देखेंगे, देखेंगे कौन कौन से फूल हैं, कैसे उनकी बनावट है, ठीक है। तो शोध कार्य करेंगे, और शोध कार्य करने के बाद ये एक बुक लिख देंगे जिसका नाम होगा क्या? वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? 31 में दोनों जाते हैं कामेट पर्वत, लेकिन गलती से फूलों की घाटी पहुंच गए। 1937 में फिर से आते हैं, इतना अच्छा लगता है, तो शोध कार्य करते हैं और बुक लिख देते हैं इसी पे, फूलों की घाटी पे ही, वैली ऑफ फ्लावर, ठीक। अब जब ये वैली ऑफ फ्लावर बुक आती है, उस समय तो सोशल मीडिया था नहीं कि यूट्यूब में डाल दो या व्हाट्सएप पर डाल दो या फेसबुक में डाल दो, सब जगह प्रचार हो जाए। उस समय क्या था, एक माध्यम, लोग बुक को ही ज़्यादा पढ़ते थे। तो जैसे ये बुक आई, पब्लिश हुई, लोगों ने पढ़ना शुरू करा, पढ़ना शुरू करा, तो लोग जानने की इच्छा हुई कि फूलों की घाटी में आखिर है क्या, ठीक है। लोग इसके जानने के लिए जिज्ञासु होने लगे। तो जिज्ञासु जब होने लगे लोग, तो लंदन में ही क्या हुआ, अगर ये पूछे बुक कब लिखी गई है, वैली ऑफ फ्लावर, ये लिखी गई 1938 में, ठीक है। 1937 में ये आते हैं दोबारा और 1937 में बुक लिखते हैं वैली ऑफ फ्लावर, ठीक। तो
तो जब ये बुक इनकी विश्व प्रसिद्ध हो जाती है, फूलों की घाटी का नाम हो जाता है पूरे विश्व में, ठीक है, तो लंदन से एक व्यक्ति आते हैं, लंदन से क्यू वेटनिकल गार्डन से, वेटनिकल गार्डन से एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है मार्गेट लैंगी। क्या नाम होता है? मार्गेट लैंगी। कहाँ से आएंगे? लंदन का एक क्यू वेटनिकल गार्डन होगा, वहाँ से आएंगे मार्गेट लैंगी। कहाँ पे? फूलों की घाटी में। क्यों आएंगे? शोध करने के लिए। फूलों की घाटी में पहुँचेंगे क्यों? शोध कार्य करने के लिए, शोध कार्य के लिए पहुँचेंगे। अब जब ये मार्गेट लैंगी यहाँ पे फूलों की घाटी पहुँचते हैं, शोध कार्य करते हैं, तो क्या होता है? भूलवश या कह लो दुर्भाग्य से, ठीक है, तो दुर्भाग्यवश इनकी क्या हो जाती है? गंधमाधन पर्वत से गिरने में मौत हो जाती है। गंधमाधन पर्वत है वहाँ पे, वहाँ से ये गिरकर क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? मार्गेट लैंगी की। ठीक, अगर पूछे कि किस व्यक्ति की मृत्यु फूलों की घाटी में हुई है, तो मार्गेट लैंगी की गंधमाधन पर्वत से गिरकर इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक, कहाँ से आए हैं? लंदन के क्यू वेटनिकल गार्डन से फूलों की घाटी में आए हैं शोध करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से क्या हो जाती है? गंधमाधन पर्वत से गिरने में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, अब गंधमाधन पर्वत से गिर रहे हैं तो भाई गंधमाधन पर्वत कहाँ होंगे? वहीं होंगे फूलों की घाटी में। तो फूलों की घाटी जो है, अगर पूछे किन दो पर्वतों के बीच है, तो फूलों की जो घाटी है वो गंधमाधन पर्वत के बीच में स्थित है। गंधमाधन पर्वतों के बीच में है, पर्वतों के बीच में है। ठीक, जैसे एक पर्वत ये है, एक पर्वत ये है, ठीक है, ये दो पर्वत है, और नीचे इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम घाटी कहते हैं। ठीक है, तो एक पर्वत गंध मान लो, एक बात मान लो, और यहाँ पे क्या है? फूलों की घाटी। ठीक, अब फूलों की घाटी कहाँ है? बृहत हिमालय चल रहा है, तो बृहत हिमालय में है, तो मैंने क्या कहा? बृहत हिमालय के ऊपर क्षेत्र में क्या पड़ी रहती है? बर्फ पड़ी रहती है, और नीचे थोड़ा क्या रहता है? थोड़ी घास होती है, जिसको हम बुग्याल उग्याल कहते हैं। अब बर्फ है ऊपर, यानी कि कोई कोई नदी भी होगी वहाँ पे। ठीक है, तो कौन सी नदी है फूलों की घाटी में? कौन सी नदी बहती है? ठीक है, तो फूलों की घाटी में यहाँ से कौन सी नदी बहेगी? पुष्पावती नदी। पुष्पावती नदी बहती है कहाँ से? फूलों की घाटी से पुष्पावती नदी बहती है। अब जब नदी होगी तो ताल भी होंगे आसपास। ठीक है, तो फूलों की घाटी में कौन से ताल हैं? यहाँ कौन कौन से ताल होंगे? लिंगा और आछरी ताल। लिंगा और आछरी ताल कहाँ हैं? फूलों की घाटी में है। ठीक है, तो यहाँ लिंगा और आछरी ताल हैं। ठीक है, पूछ लिया गया है क्वेश्चन कि लिंगा और आछरी ताल कहाँ है, तो फूलों की घाटी में है। ठीक है, फिर अब जब ये खोज करी होगी 1931 में, उससे पहले भी तो लोग जानते होंगे इस क्षेत्र के बारे में, या इसको कोई नाम दिया होगा प्राचीन या पुराणों में कह लो, या पहले के समय में। ठीक है, तो फूलों की घाटी का प्राचीन नाम क्या क्या है? क्या है? अलकापुर। प्राचीन समय में इसको कहा जाता था, एक तो इसको कहते थे, एक तो जैसे पुष्पावती नदी बह रही है तो इसको पुष्प रसा कह रहे हैं, पुष्प रसा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और एडम स्मिथ ने इसकी खोज करी। ठीक है, और वो कहाँ पहुँचे? जब हमने क्या पढ़ा था, नंदा देवी चोटी पड़ी थी, एडम स्मिथ सबसे पहले चढ़े थे, कहाँ पहुँचे थे? भिंडार घाटी। तो इसको भिंडार भी कहते हैं। किसको? भिंडार भी कहते हैं। किसको? फूलों की घाटी को। ठीक है, और इसको एडम स्मिथ घाटी भी कहते हैं। एडम स्मिथ घाटी क्यों कह रहे हैं? एडम स्मिथ घाटी क्योंकि उन्होंने इसकी खोज करी है। ठीक है, देखो खोज दोनों ने करी है। अब इन्होंने क्या कर दिया? एक बुक लिख दी जिससे विश्व प्रसिद्ध हो गया, और दोबारा फिर से आ गए यहाँ पे रिसर्च करने के लिए, तो इनका नाम पहले आ जाता है। ठीक, तो प्राचीन समय में पुष्परसा, भिंडार घाटी या एडम स्मिथ घाटी किसको कहते हैं? फूलों की घाटी को कहते हैं। फिर उसके बाद पूछ ले कि केदारखंड के वो सॉरी किसमें जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण के केदारखंड में फूलों की घाटी को क्या कहा गया है? नंदन कानन कहा गया है। क्या कहा गया है? नंदन कानन कहा गया है। किसमें कहा गया है? स्कंद पुराण के केदारखंड में। ठीक, उसके बाद कह दे कि कालिदास जो एक क्या थे, कवि थे,
उनकी एक पुस्तक है, कौन सी, मेघदूत है, मेघदूत। तो कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में क्या कहा है इसको, फूलों की घाटी को, तो क्या कहा है, अलका कहा है, अलका, क्या कहा है, अलका कहा है। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया फूलों की घाटी। देखो 31 में खोज करी एडम स्मिथ ने, अच्छा लगा, फूल अच्छे लगे, वहाँ के दृश्य अच्छे लगा, तो दोबारा आते हैं 1937 में फूलों की घाटी में शोध करने के लिए और बुक लिख देते हैं वैली ऑफ फ्लावर 1938 में। ठीक, अब एडम स्मिथ यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं थोड़ा, तो पूछ ले कि कहाँ से थे, या पूछिए एडम स्मिथ किस देश के पर्वतारोही थे, तो कहाँ के थे, तो एडम स्मिथ जो थे वो थे ब्रिटिश पर्वतारोही, ब्रिटिश पर्वतारोही थे, क्या थे, ब्रिटिश पर्वतारोही। ठीक, ब्रिटिश मतलब चोटियों पे चढ़ने वाले को कहते हैं पर्वतारोही। ठीक है, ब्रिटिश के थे, तो आए बुक लिख दी, फेमस हो गई, फेमस होने से क्या हुआ, एक आगे व्यक्ति मार्केट लेंगी लंदन के क्यू वेटनिकट गार्डन से, और फूलों की घाटी में शोध कर रहे थे लेकिन कहाँ गिर गए, गंधमादन पर्वत में गिर गए नीचे को, और क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और यहाँ पे इनकी क्या भी है, कब्र भी यहीं है इनकी। ठीक है, कब्र भी यहीं है इनकी, इनकी मार्केट लेंगी की वहीं, और फूलों की घाटी गंधमादन पर्वतों के बीच पुष्पावती नदी बहरी है, लिंगा और आश्री ताल है, प्राचीन समय में पुष्प रसा भिंडार एडम स्मिथ घाटी कहा जाता है। स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदन कानन कहा गया है। कालिदास की एक पुस्तक है मेघदूत, जिसमें क्या कहा गया है, अलका कहा गया है। ठीक, अब आपसे पूछ ले कि फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय कौन कौन सा होगा, समय क्या होगा फूल खिलने का, है फूल खिलने का समय अगर पूछ ले कभी, तो फूल इसमें जो खिलेंगे वो खिलेंगे 15 जुलाई से खिलेंगे, और ये खिलेंगे 15 अगस्त तक। ठीक है, फूल देखो वैसे भी खिलेंगे ही, लेकिन पूरी तरह से फूलों से जब भर जाएगा तो ये वाला टाइम होगा 15 जुलाई से 15 अगस्त तक। ठीक है, तो आप घूमने कब जा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कब जा सकते हैं यहाँ पे घूमने, या पर्यटन के लिए कब जा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जब मान लो आप घूमने का मन हुआ तो आप जाएंगे कब, 15 जून से लेकर 15 सितंबर के बीच। ठीक, यहाँ पे घूमने जाएंगे इस टाइम पे, और इस टाइम पे यहाँ पे क्या खिलेंगे, फूल खिलेंगे। ठीक है, बाकी समय क्या होता है, बर्फ से ढका रहता है अधिकतर समय, तो ये वाला टाइम क्या होता है, यहाँ पे फूल खिलने का सबसे उच्चतम समय माना जाता है, और जाने का जो समय है यहाँ के दृश्य को निहारने का, वह है 15 जून से 15 सितंबर। ठीक, तो ये है आपकी फूलों की घाटी। ठीक, हो गया, बताओ कुछ पूछना है तो पूछ लो। ठीक, देखो 31 में आते हैं एडम स्मिथ और एलिस ओल्डवाल कामेत पर्वत के अभियान पे, लेकिन गलती से कहाँ पहुँचते हैं, फूलों की घाटी। खोज 1931 किसने, एडम स्मिथ और आर.एल. ओल्डवाल ने। 37 में एडम स्मिथ फिर से आएंगे, शोध कार्य करेंगे, बुक लिख देंगे वैली ऑफ फ्लावर 1938 में, लंदन के क्यू वेटनिकट गार्डन से आएंगी, मार्केट लेंगी, अभी लड़का है लड़की है पता नहीं चलता है, ठीक है, हैं जो भी हैं, मगर आए थे शोध कार्य कर रहे थे, लेकिन गंधमादन पर्वत से गिरने से इनकी मौत हो जाती है, और इनकी कब्र भी वहीं पे है। फूलों की घाटी गंधमादन पर्वतों के बीच में है, पुष्पा नदी जो बहती है, लिंगा और आछरी ताल है फूलों की घाटी में, प्राचीन समय में इसको पुष्प रसा भिंडार घाटी या एडम स्मिथ घाटी कहते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में नंदन कानन, कालिदास की मेघदूत में अलका, और पूछे कब खिलेंगे फूल, 15 जुलाई से 15 अगस्त, कब जा सकेंगे यहाँ पे घूमने, तो 15 जून से 15 सितंबर। ठीक, तो ये है आपका फूलों की घाटी, लिंगा और आछरी ताल फूलों की घाटी में है। वहाँ से अगर पूछे फूलों की घाटी में कौन से दो ताल स्थित हैं, तो लिंगा और आछरी ताल, आछरी, हाँ आछरी। ठीक है, तो फटाफट नोट कर लो आप। ठीक है, अगर पूछ ले कि ये कब आई थी ये मार्केट लेंगी, ठीक है, तो ये 39 में आई होगी, 1939 में आई थी लंदन की क्यू वेटनिकट गार्डन से मार्केट लेंगी। ब्रिटिश पर्वतारोही है ये एडम स्मिथ।